हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के बारे में, जिन्हें आप इस टाइम पर अंडर 15 के प्राइस में बाय कर सकते हो। तीनों स्मार्टफोन्स एकदम लेटेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी है। 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ 60 FPS गेम प्ले, 4K और OIS मिलता है। दोस्तों, जो 15,000 का सेगमेंट है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, बट जैसा कि सारे स्मार्टफोन्स परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, इस वीडियो के अंदर काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद टॉप 3 स्मार्टफोन्स सिलेक्ट किए हैं जो सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। तो अगर आपका वेट इस टाइम पर 15,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको इस टाइम पर एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बाय करना है, देन ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। हर एक स्पेक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहिए। बट क्या सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की, जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, और ये आता है दोस्तों मेरी लिस्ट में वीवो की तरफ से लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू वीवो T3X 5G। ये इस बजट के अंदर वीवो का वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। अगर आपको वीवो का एक पावरफुल फोन चाहिए, देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिलेगा, जो एक 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड CPU है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट। ये आपको सिंगल चार्ज पर लॉन्ग टाइम तक बैटरी बैकअप दे सकता है। 5,60,000 प्लस अंडरस्कोर आता है। मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, बट इसमें 40 FPS गेम प्ले मिलता है। हो सकता है फ्यूचर में आपको अपडेट के थ्रू 60 FPS मिल जाए। प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलती है, नो डाउट। और स्नैपड्रैगन CPU होने का एक एडवांटेज ये भी है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए सही रहता है। मतलब अगर आप 3-4 साल तक स्मार्टफोन यूज करने वाले हो तो परफॉर्मेंस बरकरार रहने वाली है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.72 इंचेस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रेपरेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है, जिस पर मैट फिनिश मिलती है। प्लास्टिक का फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। ये काफी स्लिम एंड लाइट वेट फोन है, 7.9mm थिक एंड 199g वेट के साथ आता है। इसमें राउंडेड कैमरा मॉड्यूल के अंदर डुअल कैमरास मिलते हैं। प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा, बट सडनली अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS और सेल्फी कैमरे से फुल HD मींस 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिलती है, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये 6000mAh बैटरी के साथ वीवो का फर्स्ट फोन है। इसके अलावा 3.5mm जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और IP64 रेटिंग मिलती है। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज पैरेंट के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 13,499, बट मैं इसके 6+128GB वेरिएंट को ही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ज्यादा रैम होने की वजह से बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और इसको आप अंडर 15K डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G64 5G, और ये भी दोस्तों मोटो का एकदम लेटेस्ट फोन है, जस्ट लॉन्च हुआ है। G54 के कॉम्पेयर स्लाइटली अपग्रेड किया गया है। ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट MediaTek Dimensity 7025 ऑफर किया गया है, जो एक 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, पावर एफिशिएंट है। ये Dimensity 7020 से ओवरक्लॉक्ड है, 5,10,000 प्लस अंडरस्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। COD मोबाइल 40 FPS और PUBG 90 FPS पर रन कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि MIUX 14 पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट, 1 साल तक OS अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। दोस्तों, अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.5 इंचेस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रेफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और 560 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले गेमिंग के लिए टॉप नॉच मिलता है, नो डाउट, स्मूथली गेमिंग कर सकते हो, बट हाँ, कंटेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है, जिस पर मैट फिनिश मिलती है। प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है OIS के साथ, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो माइक्रो और डेप्थ का भी काम करता है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे से 1080p 60 FPS और सेल्फी कैमरे से 1080p 30 FPS पर वीडियो निकाल सकते हो। कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड 12 स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm जैक, I52 की रेटिंग और 8GB तक वर्चुअल रैम भी मिलती है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज पैरेंट के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है विदाउट एनी ऑफर ओनली 14,999 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
दोस्तों फाइनली नेक्स्ट ओलाइट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी P1 5G, और ये भी रियलमी का एकदम लेटेस्ट फोन है, जस्ट लॉन्च हुआ है। ये बजट के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर फोन है, साथ में गुड लुकिंग भी है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 7050 मिलता है, जो 6 नैनो आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, पावर एफिशिएंट है, 6 लाख+ स्कोर आता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, और इसमें आपको 60fps गेम प्ले मिलता है, टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि रियलमी UI 5.0 पर बेस्ड है। 9 5G के बैंड्स मिलते हैं, LPDDR4X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 2 साल तक OS अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। दोस्तों अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2000 nits पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट मिलेगा। इसमें 120Hz के साथ AMOLED दिया गया है, जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा, जिस पर मैट फिनिश मिलती है, अगेन प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें राउंडेड कैमरा मॉड्यूल के अंदर 3 कैमरास मिलेंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, जो सैमसंग के GN1 सेंसर के साथ आता है, साथ में 2 का पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा और एक आपको फ्री सेंसर मिलता है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलेगी। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा 3.5mm जैक, IP54 की रेटिंग और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज ब्रांड के साथ आता है, और इसकी एक्चुअल प्राइस है 15,999, बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये फोन आपको 15,000 के नीचे इजीली मिल जाएगा। तो गाइस ये थे टॉप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स अंडर 15 के। होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।